और ये देखिए दोस्तों, यहाँ थे हमारे खेत, वहाँ से लेकर ये पूरे हमारे खेत थे जिनका अब नामो निशान तक नहीं है। ये देखो आज लोगों की ऐसी स्थिति आ गई है कि रोडों में ऐसे कपड़े धोने पड़ रहे हैं। ये देखो, यहाँ देखो, हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं भावना और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल भावना पहाड़ी में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी मेरी, आपने देखा है कि हमारे खैरना का कितना बुरा हाल हो रहा है बाढ़ के कारण। तो लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कपड़े धोने झरने के पास। मम्मी आई है क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं है, नल जगह जगह से टूट चुके हैं इतनी बाढ़ में, और नदी अभी भी काफ़ी गंदी आई है। तो हम लोग जा रहे हैं कपड़े धोने के लिए, आपको भी दिखाते हैं क्योंकि झरना आया है बहुत ही खतरनाक वाला। और आप ये देख भी सकते हैं हमारे जो रानीखेत वाली पुल है ना, इसका क्या हाल हो गया है। पूरा जो झरने का पानी है ना, सारा यहाँ बह रहा था, पूरे पुल में पानी 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 हो रहा था। तो बहुत बुरी कंडीशन हो रखी है दोस्तों, और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से कपड़े वगैरह पीने के लिए पानी ले जा रहे हैं। जब तक झरने का पानी आ रहा है तब तक पीने के लिए कपड़े धोने के लिए हो जाएगा, फिर उसके बाद नदी जो है साफ हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। और रोड का हाल भी आप देख सकते हैं कि खतरनाक हो रहा है। ओए होए, मजा आ रहा मजा आ रहा, मजा नहा लो है? अच्छा, ऐसे बोलो, कहाँ से मम्मी? इधर से आ रहे हैं, यहाँ पर धोएंगे। गौरी के देखो कितने मजे हो रहे हैं। एक मिनट, ऐसे रोड में धोना, ऐसे कहाँ पर होगा, वहाँ पर नहीं डालना होगा। कैसे कपड़े लोगों ने, नाया कैसी हालत हो गई। ये देखो दोस्तों, हमने अपने कपड़े धो दिए, नदी में ही काफी सारा पानी हो रहा है, हो गया। और अब एक बार हम लोग ना वहाँ पर तो धोएंगे। मम्मी घर गया है वो, देखो सब लोग जो है ना यहाँ से कपड़े धो रहे हैं। पानी मतलब रोड में पूरी छलबल हो रही है पानी की, बहुत ही ज्यादा। आप देख सकते हो मलबा वगैरह काफी ज्यादा आया है, और झरना दिखाती हूँ मैं आपको। वैसे अच्छा हो रहा ना, ठीक हो रहा हूँ। आज लोगों की ऐसी स्थिति आ गई है कि रोडों में ऐसे कपड़े धोने पड़ रहे हैं। ये देखो, यहाँ देखो, ओ वहाँ पर से भरूंगी। तो झरना दिखाते हैं आपको, मम्मी तब तक कपड़े धो रही है यहाँ पे। ये देखो जगह जगह से इतने सीर फूटे हुए हैं ना यहाँ पे। ये है, और दिखाती हूँ आपको, और अल्मोड़ा रोड की तो ना बहुत बुरी कंडीशन हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब बता भी नहीं सकते हैं। एंड हम लोगों को तो पता भी नहीं है कि ऊपर कैसा हाल हो रहा है। और ये देखिए एक झरना, ये है, लोग यहाँ से पीने के लिए, खाने के लिए, कपड़े धोने आ रहे हैं, सब चीज़ों के लिए यहीं से अभी पानी की सुविधा हो रही है, मतलब साफ आ रहा है पानी। और ये देखो कितना ज़्यादा मलबा, नुकसान तो बहुत हुआ है खैरना गर्म पानी में, बहुत ज़्यादा नुकसान।
तो दोस्तों पानी वानी भर लिया है और पूरा भीगे हो गए हैं फुत फुत। बाप रे भीग गई मैं, भीगे हो गए फुत फुत। चलो और पानी इतना ठंडा हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है यार, मेरे तो कपड़े भी भीग गए। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं घर जाके, क्योंकि हमारे पास दो बाल्टी और एक गैलन हमें ले जाना है ना। हाँ खाली क्यों रहेंगे, कपड़े। तो दोस्तों नए दिन से अपना फिर से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आगे जो आपने वीडियो देखा वो मैं पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे वहाँ पर लाइट नहीं है, इस वजह से ब्लॉग शूट नहीं हो पाया मेरा कल पूरा। लेकिन एक गुड न्यूज़ है कि हमारे वहाँ पे लाइट आ गई है, 4-5 दिन के बाद लाइट आई तो अच्छा लग रहा है, मोबाइल भी थोड़ा बहुत चार्ज कर लिया। अब ये है कि हाँ लाइट आ गई है, और बरसात के बाद ना आप देख सकते हैं इतनी चढ़कैन वाला मतलब घाम आ रहा है ना, लग ही नहीं रहा है कि हमारे उत्तराखंड में हमारे पहाड़ में एक दो दिन पहले इतनी बारिश इतनी बाढ़ आई कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। आपने देखा हम लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पाइपलाइन जो है ना पूरी तरीके से दब चुके हैं। शायद लोग कह रहे हैं कि एक एक महीने तक पीने का पानी नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास नदी है अभी, बट नदी का पानी भी थोड़ा बहुत जो है गंदा आ रहा है। पीने के लिए पानी जो है हम लोग झरने के पास से लेके आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा वीडियो में मेरे, तो कपड़े वगैरह धोने भी हम वहीं जा रहे हैं। बस नदी का पानी साफ़ हो जाएगा तो फिर पीने के लिए देखेंगे कहीं से लाएंगे। और लाइट आज आ चुकी है, तो अभी मैं आई थी खेत में, क्योंकि हमारे वहाँ पर भी ना कालिका मंदिर के पास बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मतलब खेत भी हमारे चले गए हैं। तो बस वही मैं देखने आई थी कि मतलब क्या क्या टूटा टूटा है करके, तो आपको भी दिखाती हूँ कि आप मेरी फैमिली हो और मैं आपकी फैमिली हूँ, तो दिखाना तो बनता ही है। तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमें हुआ है नुकसान। ये पापा ने बनवाई थी सुरक्षा दीवार, जो है ना पूरी तरीके से जो है टूट गया है, सब उधर गया है, और फील्ड में बहुत खतरनाक वाली दरार आ गई है। तो पापा ने आज से ना काम भी जो है शुरू करवा दिया है, क्योंकि बच्चे फील्ड में खेलते हैं तो कहीं गिर ना जाए, और 24 और 27 को काफ़ी ज़्यादा फिर से बारिश बताई है, तो इस वजह से पापा जो है ना इसको बनवा रहे हैं। तो आज से काम भी शुरू हो चुका है, क्योंकि फिर बारिश आए और ज़्यादा ये टूट जाए तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो पानी का आप जल स्तर देख सकते हैं कम हो चुका है, लेकिन जो शिप्रा नदी का बहाव है ना वो कोशी नदी की तरफ आ गया है, और सारा उधर भर चुका है रेता, तो शिप्रा नदी ने भी जो है ना अपना बहाव इधर को ले लिया है। अगर अब बारिश आए और बाढ़ आए ना तो ये हमारे उधर नुकसान करने वाली है ये बाढ़ दोस्तों। और वैसे पानी भी अब हल्का हल्का साफ होने लग गया है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ खेत। तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं ना, जब मैंने वो बहुत ज़्यादा नदी आ रही थी तो मैंने वीडियो बनाया था कि भावना जी आप अपनी सेफ्टी रखो फिर वीडियो बनाओ, तो मैंने सेफ्टी के साथ ही वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें आपको लग ऐसा रहा था कि मैं नदी के पास गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैं हूँ तब मैं आपके लिए वीडियो भी बना पाऊँगी ना, अगर मैं अपनी सेफ्टी नहीं रखूँगी तो फिर क्या होगा, है ना। तो अब आपको दिखाती हूँ मैं खेत, जहाँ मैं आपको दिखाया करती थी कि हम लोगों ने ये लगा रखा है वो लगा रखा है। और पानी ना मतलब नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया था कि पूरा पानी यहाँ तक आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पूरी मिट्टी मिट्टी हो रही है, पूरी पानी यहाँ तक आया था, इतना ज़्यादा पानी बढ़ा हुआ था नदी का। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ थे हमारे खेत, वहाँ से लेकर ये पूरे हमारे खेत थे जिनका आप नामो निशान तक नहीं है। ये देखो इनमें लगाई थी हमने हल्दी अदरक सब्जियां वगैरह, जो सब टूट जा चुका है रामनगर। ये देखो कोई कह नहीं सकता है कि यहाँ हमारी दीवार मतलब खेत थे। और आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखो दोस्तों नीचे पापा हैं, ये देखिए ये हमारा खेत जो है आधा नीचे चले गया है, यहाँ से सारी दीवार टूट चुकी है। और
अभी और दिखाती हूँ मैं आपको, बट हमारा नुकसान बहुत कम लग रहा है। लोगों के जो घर बह गए हैं उसके सामने कुछ भी नहीं है। हमने अपनी मेहनत करी थी, फिर से मेहनत करेंगे, खेत बना लेंगे, खेतों का क्या है। लेकिन जो लोगों के घर चले गए ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है। और आज मैं ट्यूशन गई थी ना, तो मतलब खैर ना गर्म पानी में तो ऐसा लग रहा है ना पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि लोग हैं भी या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब बहुत अजीब सा माहौल हो गया है खैर ना गर्म पानी का। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे दूसरे साइड खेत हैं जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते रहती थी। इनमें बोए हुए थे हमने गहत जो पक भी चुके थे, लेकिन बाढ़ के कारण जो है ना सब चले गए हैं और पूरा जो है खेत अब नदी बन चुका है। तो इस तरीके से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो बस यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि दोस्तों प्रकृति देती भी है और प्रकृति ले भी लेती है। तो चलिए फिर अपनी वीडियोस को यहाँ पर ही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।